हेलो फ्यू, वेलकम बैक। हम लोग ने इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग ने चैप्टर वन माय बॉडी कंप्लीट किया था। सो अब हम साइंस का चैप्टर नंबर टू प्लांट कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक विच वी विल स्टडी इन दिस, इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब सबसे पहला है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, देन रिप्रोडक्शन इन प्लांट, देन स्ट्रक्चर ऑफ सीड, देन ग्रोथ ऑफ प्लांट, देन सीड जर्मिनेशन, रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट एंड देन सीड डिस्पर्जल। अब हम ये सारे पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के साथ स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है सबसे पहले तो ये जानते हैं, उसके लिए हमें पहले पढ़ना है। पढ़ते, ग्रीन लीफ प्रिपेयर फूड दस कॉल फूड फैक्ट्री फॉर द प्लांट। अब हम लोग खाना बनाते हैं तो आप प्लांट्स को भी तो खाना चाहिए, वो भी तो खाना खाएंगे, तो जो ग्रीन लीफ होती है ना वो उनके लिए खाना बनाते हैं, इसलिए जो ग्रीन लीफ होती हैं उन्हें हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। प्लांट मेक द फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस है ये एक प्रोसेस का नाम है जिससे जो हमारे प्लांट हैं वो खाना बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फोटो में और एक सिंथेसिस में। सो जो हमारा फोटो मीन होता है वो लाइट होता है, और जो सिंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर, मतलब एक साथ रखना, मतलब लाइट को और बाकी सारे को एक साथ रखो। ठीक है, प्लांट नीड रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हमें भी तो खाना बनाने के लिए वाटर चाहिए, वैसे इन्हें भी चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, और हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है, पर इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, सो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट होता जब सन आता है तो उसकी लाइट निकलती है, और उस सनलाइट सिर्फ डे टाइम में रहती है, नाइट टाइम में तो रहेगी नहीं, रात में कहाँ होता है सन, तो लाइट भी नहीं रहेगी उसकी। सो अब जो हमारा सनलाइट वो सुबह मिलता है तो हमारे प्लांट ना बस खाना बनाते रहते हैं, हमारे प्लांट के लिए खाना बनाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह का भी खाना बनाना है, दोपहर का भी खाना बनाना है, स्नैक्स वगैरह भी करते होंगे, डिनर भी करते हैं, सो उन्हें भी खाना बनाना है। ठीक है, अब उन्हें भी तो खाना बनाना है, मान लिया खाना बनाना है, पर वो इतना क्यों, वो पूरे दिन क्यों बिजी रहते हैं खाना बनाने में सिर्फ? इसका रीज़न ये है क्योंकि उन्हें सब अपने लिए थोड़ी ना खाना बनाना है, प्लांट में तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन सबको खाना देना है, तो दिन भर वो लगे रहते हैं इधर से उधर खाना बनाते रहते हैं। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना ये हमारा एयर में प्रेजेंट होता है। अब जब हम लोग सांस छोड़ते हैं अपनी, व्हेन वी लीव द ब्रीथ, सो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी लीफ तो लेती है, इतना तो पता है, पर किसके प्रेजेंस में लेती है? वो स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। स्टोमेटा की डेफिनेशन है कि क्या होता है, स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। अब जो हमारे स्टोमेटा होते हैं ना बहुत छोटे छोटे से डॉट होते हैं जो हमारे लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, आपने लीफ तोड़िएगा, मतलब कि तोड़ेगा नहीं, ऐसे उसमें देखिएगा, उसमें बहुत छोटे छोटे से आपको डॉट्स दिखेंगे, तो डॉट जो हैं वही स्टोमेटा होते हैं। नाउ वाटर इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इज ड्रॉन फ्रॉम द सॉयल थ्रू द रूट व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल। अब जो हमारा वाटर होता है ना ये हमारा प्लांट ले लेता है, सॉइल से लेता है, रूट लेता है, अब सनलाइट की अवेलेबल में अब ये रूट ले लेता है। ठीक है, रूट ले लिया, अब कैसे लेगा भाई? जब हम पेड़ों में पानी डालेंगे तो हमारा जो सॉइल में डालेंगे, अब सॉइल रूट कहाँ होती है, सॉइल में, तो वो जो वाटर डालते हैं ना वो हमारी रूट्स ले लेती है और जो पूरे प्लांट में पहुँच जाती है। अब सनलाइट इज़ अवेलेबल ड्यूरिंग द डे टाइम, अब सनलाइट तो डे टाइम में अवेलेबल रहता है। क्लोरोफिल विच इज़ एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस। अब ये जो क्लोरोफिल होता है ना
ये इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत इसका एसेंशियल पार्ट होता है, बहुत मेन पार्ट होता है। इट इज़ द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ द प्लांट। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो हमारी लीफ में प्रेजेंट होता है। हमारी लीव्स कभी रेड होती हैं, कभी येल्लो होती हैं, येल्लो सी हो जाती है, ग्रीन होती हैं। सो जो ग्रीन लीफ होती है ना, वो सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से होती हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो वो भी अलग अलग कलर्स की दिखेंगी। सो हमारा जो क्लोरोफिल होता है वो उनको ग्रीन कलर देता है। आप लोगों ने फोर्थ में भी पढ़ा होगा। ओके, सो ग्रीन लीफ में प्रेजेंट होती है। और ग्रीन लीफ ही, क्योंकि आप ग्रीन लीफ ही खाना बनाती हैं, येलो लीव्स नहीं, इसलिए येलो लीफ झड़ जाते हैं जहाँ पे, और वहाँ पे ग्रीन लीफ आने लगती है। नाउ सम प्लांट, यहाँ पे प्लैनेट हो गया, प्लांट था। सम प्लांट नीड एक्स्ट्रा फूड इन एडिशन टू व्हाट दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। अब कुछ प्लांट को ना ज़्यादा खाना चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस तो करते ही करते हैं, पर उनको ज़्यादा खाना चाहिए होता है। दीज आर प्लांट दैट ग्रो इनटू अ सॉइल विच लैक न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन सॉल्ट। अब ये ना, अब वो उस सॉइल में, पुअर सॉइल में होते हैं जहाँ पे लैक नाइट्रोजन सॉल्ट होते हैं। अब उनको, उनके जो एक्स्ट्रा नरिशमेंट होती है ना, वो हमारे इंसेक्ट पूरी करते हैं। दे गेट देयर एक्स्ट्रा नरिशमेंट फ्रॉम इंसेक्ट। अब उनके इंसेक्ट कैसे पूरी करते हैं, आप इधर देखिए। अब आता है, प्लांट्स दैट ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब वो प्लांट जो इंसेक्ट को पकड़ते हैं और फिर उसे खाते हैं, वो उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा वॉट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। और हाँ, आप लोग स्क्रीन शॉट या कहीं पर लिखते चलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके पेपर्स में बहुत काम आती हैं, तो आप इन्हें अपनी नोट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचियर प्लांट आर टू एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। अब जो हमारे वीनस फ्लाई ट्रैप है और जो पिचियर प्लांट है, वो इन दोनों के एग्जाम्पल हैं। इंसेक्ट इज स्टक स्टिकी लीफ विच हैव स्पेशल शेप, देन दे गेट सफोकेटेड व्हेन दे आर ट्रैप इन द लीफ एंड द बॉडीज ऑफ द इंसेक्ट आर देन ब्रोकन डाउन डाइजेस्टेड एंड कंज्यूम बाय द प्लांट। अब एक छोटी सी कहानी है। अब जो हमारा ये हमारा वीनस ट्रैप, ये हमारा वीनस ट्रैप है, कुछ इस तरह का दिखता है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, ऐसे है, यहाँ पे काटे काटे से हैं। अब ये तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे जैसे यहाँ से कोई प्लांट इंसेक्ट आया ऐसे ऐसे, और वो यहाँ पे सपोज बैठ गया, वो यहाँ पे बैठ गया, तो अब ये जो इसका ऊपर की ये कवरिंग है ना, ये उन्हें दबा लेती है, ये उन्हें इस तरीके से दबा लेती है ऐसे, तो ये बंद हो जाते हैं। अब जो इनकी जैसे हमारी आई शेडो होती, आई लेसेस होती है, यस आई लेसेस, वो एक दूसरे में फिट हो जाती हैं, वैसे ये भी एक दूसरे में फिट हो जाता है। जब तो ये ऐसे होगा, जब आपने क्लचर देखा है, क्लचर का जब हम क्लचर बंद करते हैं तो एक दूसरे में फिट हो जाता है, सेम उसी तरीके से ये भी फिट हो जाती है। अब क्लचर के अंदर से कोई इंसेक्ट फंस जाएगा, इनका साइड का तो क्लोज होता है, आगे से फट जाएगा तो कहाँ से निकलेगा। उनके ना अंदर भी कांटे होते हैं, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जहाँ पे मैं येलो येलो कलर से हाईलाइट करूँ, यहाँ पे भी कांटे होते हैं। तो जब इंसेक्ट को वो कांटे चुभते हैं ना, वो ऐसे कांटे होते दिखते ही नहीं है, और जब इंसेक्ट को चुभते हैं तो उन्हें इतना पेन होता है, वो उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वो मर जाते हैं, और यही हमारे प्लांट्स उन्हें खा जाते हैं। सो वीनस ट्रैप कुछ इस तरह का प्लांट होता है, इसका प्रोसेस यही होता है। अब आगे, अब इसमें बोला पिचर प्लांट, आपको पता है पिचर का मीन क्या होता है? पिचर का मतलब लोटा, पिचर का मीन्स लोटा होता है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो लीफ है ना, ये इनकी लीफ है, कुछ मटके टाइप की हैं। सो जो इनका मटके टाइप की होती हैं, इसलिए इनका नाम पिचर प्लांट होता है। और ये इनके में भी सेम प्रोसेस होता है, और इसीलिए ये लोग को एक्स्ट्रा चाहिए होता है, क्योंकि अच्छे सॉइल में नहीं होते हैं ग्रो।
सो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में हम लोग ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग आगे की टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो अभी के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।